साई राम, साई बाबा की अमृतवाणी। सौभाग्यवश हमारे चैनल का नाम भी यही है, साई बाबा की अमृतवाणी। और इसी उद्देश्य से ये कि बाबा की अमृत धारा, बाबा के मुख से निकले हुए अमृत वचन आप तक पहुंचाए, इसी का यही एक उद्देश्य हमारे इस चैनल का है। साई बाबा के भक्ति में थोड़ा सा भी इजाफा हो, प्रगति हो, आगे चलकर तरक्की हो, यही एक मात्र उद्देश्य इस कार्य के पीछे है। आज के इस एपिसोड में हम बाबा के तीन महावाक्य बोलने वाले हैं, एक महावाक्य का अभ्यास करने वाले हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। बाबा कहते थे, वाक्य नंबर एक, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। नियत में दुनिया कायम है। रसूल मोहम्मद पैगंबर, इनकी एक हदीस है, इन्नमल आमालु बिन नियाती, नियत पे दुनिया कायम है। जो जिसको जो जिसकी नियत अच्छी उसका खुदा अच्छा, जिसकी नियत बड़ी उसका खुदा बड़ा। नियत पे दुनिया बरकरार है। बाबा भी वही कहते हैं, जैसी जिसकी नियत वैसी उसको बरकत। हमारा जो दिल का जमीर साफ हो, दिल पाक और शुद्ध हो, तो भगवान हमको बिल्कुल सहायता करता है। क्योंकि सच्चे दिल वाले, पाक दिल वाले, शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा हो, हम उनके साथ हमेशा मैं रहता हूँ, यही बाबा का कहना है। इसी सिलसिले में, इसी विचारधारा के कंटिन्यूशन में बाबा कहते हैं, जिसका इरादा अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। काम करने के पीछे उसका उसका अगर उद्देश्य शुद्ध है, वो उसका इंटेंशन साफ है, तो उसको क्या है, उसका सब कुछ अच्छा ही होगा, गलत कभी होगा ही नहीं। हाँ, इस रास्ते पर आड़े आने वाले जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन फाइनली लोगों को पता चलेगा कौन सच्चा है। और उसका जो सच्चा होता है उसके साथ खुदा होता है, उसके साथ अल्लाह होता है, उसके साथ ईश्वर भगवान होते हैं। हालांकि ये चारों भी एक ही है, सबका मालिक एक है, नाम उसके अलग अलग दिए हुए हैं। इसी श्रृंखला में तीसरा महावाक्य बाबा कहते हैं, नेकी का फल भारी है और बदी का फल बुरा है, कम है। पूरा कभी भी अपने इरादे पे सक्सेस नहीं होता। टेम्पररी उसको ऐसा लगा कि हाँ मैं तो जीत गया, लेकिन भगवान के सामने उसकी जीत कुछ काम की नहीं। चंद सांसारिक जीवन या भौतिक साधना और संसाधनों के खातिर अगर तू किसी का हक छीन लेता है, किस पर अन्याय करता है क्षण भर के लिए या कुछ वक्त के लिए, तुझे लगेगा कि हाँ तूने तो बहुत तीर मार लिए है, लेकिन बेटा भगवान के सामने तू, तेरी जो योग्यता है, तेरी हैसियत है, जूते के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी नियत साफ नहीं है। जिसकी नियत में खोट है उसको भगवान साथ नहीं देता। तीन वाक्य, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत, उसे बरकत। दूसरा, नेकी का फल भारी है, बदी का फल बुरा है या कम है, और जिसका इरादा अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। छोटे छोटे वाक्य में हमें बाबा ये सीख देते हैं कि हमें कैसा
भक्ति, अगर बाबा के भक्त कहलाते हो तो ये जो बेसिक प्री क्वालिफिकेशंस है, प्री क्वालिफिकेशन कहूंगा मैं, ये बेसिक प्री क्वालिफिकेशन ये हमें होने बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत महावाक्य है बाबा के, बाबा के मुख से निकली हुई ये साई वेदवाणी है, साई अमृतवाणी है, इसका हम और परामर्श लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, ओम साई राम। अवघारंग कझाला, अवघारंग कझाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।